हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं UKPSC AE का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की भी आ चुका है, तो हम लोग आज बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज। तो अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है आपका इस साल का कट ऑफ भी जाएगा। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था UKPSC AE का, जो पहले एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 2013 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज, और फिर 2020 में जो 2019 में फॉर्म फिलअप हुआ था 2020 में उसका एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका 2021 में जो वैकेंसी आई है 2022 में एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो है आंसर की भी आ गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को इस साल का जो कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 2013 में कट ऑफ गया था ये है अनरिजर्व का 558 जो मैक्सिमम गया था और 334 जो है ये मिनिमम गया था। कि मैक्सिमम जो है आपका इस तरीके से वेरी करता है, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट में कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, किसी डिपार्टमेंट में कम जाता है, तो इसी वजह से ये वेरिएशन हो रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम दो कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे SC कैटेगरी का देखिए तो आपका 515 मैक्सिमम गया था और मिनिमम जो था वो 307 था। ST कैटेगरी का देखें तो ST कैटेगरी का आपका गया था 390 और 228 जो गया था मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम कितना था 390 था। यहीं पर OBC की बात करें तो OBC का मैक्सिमम कट ऑफ जो गया था वो 554 था, लेकिन मिनिमम कट ऑफ कितना गया था 334 गया था, ये 2013 का है। जैसे यहाँ पे आपका हो गया PWD डिपार्टमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से इसका जो डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ वेरिएशन होता है उसको ये कंसीडर करके आपको बताया गया कि मैक्सिमम कितना गया था और मिनिमम कितना कट ऑफ गया था। और सिविल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है, कोई भी आपका JEE का एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई भी AE का एग्ज़ाम ले लीजिए, तो जो सिविल की वैकेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और मैकेनिकल की वैकेंसी भी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे मैकेनिकल का जो 2013 में कट ऑफ गया था उसको देख लेते हैं। तो अनरिजर्व का गया था मैक्सिमम 541 और मिनिमम कितना गया था 378 गया था, ठीक है। यहीं पे SC कैटेगरी का देख लेते हैं तो SC कैटेगरी में 449 गया था मैक्सिमम और 323 जो गया था वो मिनिमम कट ऑफ गया था। यहीं पे OBC कैटेगरी का तो OBC और अनरिजर्व यहाँ पे आपको दिख रहा है 2020 का। तो यहाँ पे OBC की बात करें तो OBC का मैक्सिमम जो गया था 498 गया था और मिनिमम जो था वो 369 था। इलेक्ट्रिकल में आपको यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल में आपका मोटी मोटा एक एवरेज बताया गया है सभी कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम होती है इस वजह से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है कट ऑफ में। तो यहाँ पे 439 मैक्सिमम कट ऑफ गया था और 413 जो है मिनिमम कट ऑफ गया था। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ इसका वैकेंसी के फॉर्म फिलअप कब हुआ था, 2019 में हुआ था, 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व का कट ऑफ गया था वो लगभग मैक्सिमम 500 था और मिनिमम तो जो था वो 498 पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे बात करें अनरिजर्व का मैकेनिकल में तो वो मैक्सिमम गया था 594 और मिनिमम जो हुआ था सिलेक्शन वो 492 नंबर पर हुआ था, ठीक है। और SC कैटेगरी का यहाँ पे देखते हैं तो 492 मैक्सिमम गया था और मिनिमम 419 था, और इलेक्ट्रिकल का 490 ऑन एन एवरेज 490 जो है कट ऑफ गया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। तो ये जो कट ऑफ है आपका 2020 का एग्ज़ाम था, और ये दो जो इस बार एग्ज़ाम हुआ 2022 में उसका फॉर्म फिलअप कब हुआ था, वो 2021 में जो इसका फॉर्म फिलअप हुआ था और एग्ज़ाम कब हुआ 2022 में। तो जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनसे जो मेरी बात हुई है तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर का जो लेवल था और जितने बच्चों ने जो है एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया आंसर की भी आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो लोग स्कोर कर रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने जा रहा हूँ कि 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसका कितना कट ऑफ जा सकता है मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ, ठीक है। तो इसमें आपका मैं अनरिजर्व कैटेगरी का ही बता रहा हूँ, इसीलिए आपका जो है 5 नंबर 10 नंबर अप डाउन हो सकता है। तो मैक्सिमम आपका 520 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है, और मिनिमम जो है आपका 500 जा सकता है, प्लस माइनस 10 कर लीजिएगा, ये जो है सिविल ब्रांच का आपका कट ऑफ हो गया, ठीक है, 520 से 500, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल का कितना कट ऑफ जा सकता है तो ये आपका 530 से जो है मैक्सिमम 530 जा सकता है और मिनिमम जो है 490 जा सकता है, प्लस माइनस 10 कर लीजिए, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। ये जो है लोगों के आंसर की आने के बाद जो स्कोर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं उससे जो ट्रेंड दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग भी ये आपका कट ऑफ फिट बैठता है, ठीक है।
यहीं पे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ जा सकता है ओवरऑल 500 प्लस माइनस 10 कर लीजिए, इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। इतना अगर आप लोग स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका जो है बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है। तो बस इस तरीके का कट ऑफ एनालिसिस था। अगर वीडियो अच्छी लगे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।